गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास वन EVS। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 8, माई नेबरहुड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम अपने नेबरहुड यानी आस पड़ोस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। देखो, वो सभी जगह जो हमारे घर के आसपास है वो हमारा नेबरहुड है, यानी हमारा आस पड़ोस। और जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो सभी हमारे नेबर्स होते हैं, यानी कि पड़ोसी। तो देखो, जो हमारा नेबरहुड है उससे हमें बहुत सारी यूज़फुल सर्विसेज मिलती है, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारी जगह होती है। लाइक देखो, मार्केट, क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक, पेट्रोल पंप। तो देखो, हमारे आसपास ये सभी जगह होती है और इनसे हमें यूज़फुल सर्विसेज मिलती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल और इजी बना देती है। तो नेबरहुड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट प्लेस आपको दिया गया है मार्केट। तो देखो, मार्केट से हम डिफरेंट चीज़ें खरीदते हैं। देखो, आपके क्लोथ्स, टॉयस, आपका स्टेशनरी का सामान, या जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो वो आप मार्केट से ख़रीद सकते हो। सेकेंड नेबरहुड प्लेस आपका क्लिनिक। तो देखो, क्लिनिक जो है वो स्मॉल हेल्थ सेंटर है, एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र है। देखो, जब आप बीमार हो जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो आप कहाँ जाते हो? आपके नियर बाय जो क्लिनिक होता है उसमें जाते हो और अपना ट्रीटमेंट कराते हो। फिर है देखो आपका, डू यू नो में आपको दिया गया है। देखो, ये था क्लिनिक, स्मॉल हेल्थ सेंटर। इसके बाद देखो, इससे बड़ा हेल्थ सेंटर, बिग हेल्थ सेंटर होता है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में देखो, पेशेंट को एडमिट करा जाता है, उसका इलाज करा जाता है और उसे कई दिनों तक वहाँ पे रखकर अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करके फिर उसे घर भेजा जाता है। तो देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, तो वो अपना इलाज कराते हैं हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट है आपका नेबरहुड प्लेस, थर्ड, पोस्ट ऑफिस। तो देखो, हम अपने जो भी लेटर्स हैं उन्हें पोस्ट करते हैं लेटर बॉक्स में। पोस्टमैन क्या करता है? आता है लेटर बॉक्स में से सारे के सारे जितने भी लेटर्स हैं कलेक्ट करता है और पोस्ट ऑफिस में उन्हें ले जाता है। फिर है अगला, देखो, पार्क। आपके आसपास नेबरहुड में पार्क भी आपका आता है। तो देखो, पार्क में क्या करते हैं? पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घूमते हैं। फिर है देखो, स्कूल। तो स्कूल में हम स्टडी करने, पढ़ाई करने जाते हैं। फिर है देखो, पुलिस स्टेशन। तो देखो, पुलिस स्टेशन में क्या होता है? पुलिस होती है, और पुलिस देखो हमारे पूरे नेबरहुड को, पूरे आस पड़ोस को सेफ रखती है, उसकी सुरक्षा करती है चोरों से, लुटेरों से। तो देखो, सेफ्टी का जो काम है वो पुलिस का है। आगे है देखो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। देखो, नीचे पिक्चर्स दी गई है आपको। तो देखो, आपके आस पड़ोस में ये वाले प्लेसेस ही पाए जाते हैं। तो देखो, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। वर्शिप का मतलब होता है पूजा। तो देखो, पूजा करने के स्थल, देखो ये है गुरुद्वारा, यहाँ पे सिक्स लोग पूजा करने जाते हैं। टेंपल में हिंदूस, चर्च में क्रिश्चियंस, मॉस्क्यू में मुस्लिम्स। तो आपको ये फोर प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट्स, देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, माई नेबरहुड। इसमें हमने अपने नेबरहुड में जो जो प्लेसेस हैं वो सही पढ़े और उनसे हमें क्या यूज़फुल सर्विसेज मिलती है वो सब पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में देखो आपको दिया गया है, आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आपको करेक्ट ऑप्शन को सर्च करना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु कैचेस थीव्स, चोरों को कौन पकड़ता है? ऑप्शन ए पुलिस, बी शॉपकीपर, सी पोस्टमैन। तो देखो, चोरों को पकड़ने का काम है पुलिस का, तो आप पुलिस को टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु कलेक्ट्स लेटर्स टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से लेटर्स कौन कलेक्ट करता है? पोस्टमैन, डॉक्टर, शॉपकीपर। तो देखो, लेटर्स को कलेक्ट करने का काम है पोस्टमैन का, डाकिया का, तो आप पोस्टमैन को टिक करोगे। थर्ड, वेयर डू वी गो टू बाय थिंग्स, हम चीज़ें खरीदने कहाँ जाते हैं? स्कूल, पार्क, मार्केट। तो देखो, चीज़ें खरीदने जाते हैं मार्केट, तो आप ऑप्शन सी मार्केट को टिक करोगे। तो ये हुआ आपका ए पार्ट। आगे आपको दिया गया बी पार्ट। बी पार्ट में स्टूडेंट्स देखो, आपको 3 वर्ड्स के ग्रुप्स दिए गए हैं। आपको हर ग्रुप के 3 वर्ड्स को रीड करना है और उसमें जो ऑड वन है, बिल्कुल अलग वर्ड है, उसे सर्कल करना है। देखो, ऐसे फर्स्ट ग्रुप है डॉक्टर, नर्स, शॉपकीपर। तो देखो, इसमें जो शॉपकीपर है वो आपका बिल्कुल अलग है। देखो, डॉक्टर और नर्स तो आपस में रिलेटेड है, ये एक दूसरे का, देखो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं। जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, उसे टाइम पे दवाई देना, उसका इलाज करना, ये दोनों करते हैं। लेकिन शॉपकीपर ऐसा काम नहीं करता, इसीलिए शॉपकीपर देखो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट हुआ, अलग हुआ, तो आप शॉपकीपर को टिक सर्कल करोगे।
सेकंड में है वेजिटेबल्स फूड आइटम्स लेटर्स, इसमें आपका लेटर्स ऑड वन है। देखो वेजिटेबल्स और फूड आइटम्स खाने की चीज़ें हैं लेकिन लेटर्स खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसे सर्कल करोगे। थर्ड में है आपका गुरुद्वारा टेम्पल स्कूल, इसमें आपका स्कूल ऑड वन है क्योंकि देखो गुरुद्वारा और टेम्पल प्लेसेस ऑफ वर्शिप है लेकिन स्कूल आपका प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, इसीलिए ऑड वन हुआ, आप इसे सर्कल करोगे। सी पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। देखो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डू वी गो व्हेन वी फॉल सिक, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? देखो बीमार होने पे जाते हैं क्लिनिक, तो फर्स्ट का आंसर होगा क्लिनिक। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू वी पोस्ट आर लेटर्स, हम अपने लेटर्स को कहाँ पोस्ट करते हैं? लेटर बॉक्स में, तो आप लिखोगे लेटर बॉक्स। थर्ड है नेम एनी टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कोई भी टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप लिखो, पूजा करने के स्थल लिखो, तो देखो इसमें आप मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, टेंपल, इन चारों में से कोई भी दो प्लेसेस लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर 8 माय नेबरहुड कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर जो भी हमने करे हैं उन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ। तब तक आप चैप्टर 8 को रीड कीजिए और इसे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए। थैंक यू।